हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज के हमारी वीडियो के टॉपिक्स हैं परमानेंट फ्रेंच विद नेचुरल कलर, राइनस्टोन, ग्लिटर, माइलर, साथ में वन स्ट्रोक पेंटिंग और साथ साथ जो है ब्रश आर्ट और इसके अलावा जो है 3D वर्क। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए देखते हैं, ये हमारे नेल्स हैं। आपने जैसे लास्ट वीडियो में देखा ही था कि हमने नेल एक्सटेंशन किया था, हमने उसकी एक वीडियो बनाई थी और अब जो ये सील हो चुके हैं तो डेफिनेटली इसके बाद जो हमें ऊपर से इसे ब्लॉब ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी हमें काम करना है वो शाइनिंग वाले वर्क के ऊपर तो टिकेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई हम पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफर की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से ड्राई कर लेंगे, क्यूटिकल एरिया से भी अच्छे से ड्राई करेंगे। और जैसे कि ये वाला जो ब्लॉब ऑफर है बहुत ज़्यादा शार्प है, तो उससे पहले हम जो है ना एक बार क्यूटिकल एरिया को पुश कर लेंगे और पुशर की हेल्प से, और पुशर की हेल्प से पुश करने के बाद आप देख सकते हो हमारी ग्रोथ अभी बिल्कुल भी नहीं आई है, बिकॉज एक ही दिन हुआ है नेल्स किए हुए। और अब जो है मैं दूसरे ब्लॉब ऑफर को यूज़ करूँगी, क्योंकि ब्लैक वाला जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है वो क्यूटिकल एरिया को कट कर रहा था तो पेन कर रहा था, इसलिए मैंने ये वाइट वाला ब्लॉब ऑफर दिया है जिससे कि हम अच्छे से ब्लॉब ऑफ कर देंगे और सॉफ्टली हमारे क्यूटिकल एरिया को बिना कट किए जो है हमारा काम भी ये ड्राई कर देगा। सो इसके बाद का जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा नेचुरल पिंक कलर अप्लाई करना। तो नेचुरल पिंक को अप्लाई करने से पहले पूरी की पूरी डस्ट को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और जिस जिस नेल पे हमने जो जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे नेचुरल पिंक कलर। जैसे कि आप देख सकते हो हमने 3 फिंगर पे फ्रेंच क्रिएट करना है, तो बिल्कुल लाइट सा मैंने ये डार्क पिंक कलर लिया है और पिंकी फिंगर में जो है मैं ये ग्लिटर वाला कलर अप्लाई करूँगी और इंडेक्स फिंगर पे ये हमारा जो है प्याजी पिंक कलर है और जो पिंकी फिंगर पे करूँगी मैं वो रोज़ गोल्ड कलर अप्लाई करूँगी ग्लिटर वाला। बट उससे पहले जो है हम नेचुरल पिंक को फैला देते हैं। हम मैं ये यूज़ कर रही हूँ जेल ब्रश और इस जेल ब्रश की हेल्प से हाफ एरिया में, जितना एरिया में मुझे नेचुरल पिंक कलर चाहिए उतने एरिया पे हम ये नेचुरल पिंक कलर फैला देंगे ब्रश की हेल्प से। और मैं इसमें कोई भी जेल वगैरह मिक्स नहीं कर रही हूँ गाइज, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो पॉलिश है पिंक वाली वो जेल पॉलिश ही है, तो वो अपने आप मेरा जो है काम कर देगी परमानेंट का, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ जेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद अब बारी है हमारे इंडेक्स फिंगर की, तो इसके लिए मैं ये जीके का कलर यूज़ कर रही हूँ और इसमें जो है हम ग्लिटर अप्लाई करेंगे। सो आप देख सकते हो प्रॉपरली क्यूटिकल एरिया, साइड एरिया हमें प्रॉपरली कवर अप करना है, ध्यान रखना है प्रॉपर पूरे नेल पर, बिल्कुल पतली पतली एप्लीकेशन करनी है। और इसके बाद जो है हम इसे सभी नेल्स को जो है अब एक साथ क्योर करवा देंगे हमारे LED में और क्योर कराएंगे 90 सेकेंड। और क्योर कराने के बाद अब बारी है हमारे फ्रेंच क्रिएट करने की, सो उसके लिए मैं ये जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। ये जेल पॉलिश जो हम यूज़ करेंगे गाइस, तो इस तरीके से हमें जहाँ जहाँ पर भी हमें फ्रेंच क्रिएट करना है, जैसे कि आज मैं फ्रेंच की जो शेप ले रही हूँ वो ले रही हूँ डीप सी, डीप कर्व, तो डीप कर्व थोड़ी सी मुश्किल होती है बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो ये काफ़ी ज़्यादा बनने के बाद जो है बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सो इस तरीके से हम जो है वन बाय वन करके सभी नेल्स पर फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे वाइट की और बाकी नेल्स पर जो है ग्लिटर वाली पॉलिश अप्लाई कर देंगे और प्रॉपरली फ्रेज एरिया को कवर अप करके सभी नेल्स को जो है हम एक साथ से क्योर करवा देंगे। और इसे क्योर कराने के बाद अब बारी है सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करने की। सो गाइज, अगर आपकी जेल पॉलिश गलती से साइड में लग जाए तो टेंशन मत लेना, आपकी साइड वॉल में नहीं गई है बट ये स्किन पे अप्लाई हो रखी है, तो डोंट वरी, वो हम बाद में रिमूव कर सकते हैं। सो अब हम सेम उसी तरीके से जो है अपनी वाइट जेल पॉलिश के साथ सेकेंड कोट ऑफ फ्रेंच क्रिएट करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से नीट हो जाए, बिल्कुल भी ट्रांसलूसेंट ना रहे। और आप देख सकते हो इसका ऑलरेडी लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है और डीप सी जो बनने के बाद है इसका रिफ्लेक्शन कितना क्लियर आ रहा है। और बाकी नेल पर ग्लिटर वाले नेल पेंट्स पर जो है हम सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई कर देंगे और सभी नेल्स को जो है अब हम एक साथ क्योर करवा देंगे। सो क्योर कराने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब बारी है हमारी नेक्स्ट वर्क की। सो ये मेरे पास माइलर है, इसे हम बोलते हैं आइस माइलर, जिसमें ग्लिटर, स्मॉल माइलर और बिग माइलर मिक्स होते हैं। सो इसमें जो है मैंने हल्का सा गोल्डन ग्लिटर वाली जेल पॉलिश ली है अब प्याजी पिंक अप्लाई करने के बाद,
और इसमें जो है हम ये माइलर्स अप्लाई करेंगे, बट टूथपिक से उठाने मुश्किल होते हैं इसलिए हम टूथपिक पर जो है हल्का सा जेल अप्लाई कर लेंगे। जेल वाली पॉलिश के साथ ही उसे टच करेंगे तो आराम से हमारे जो माइलर्स हैं वो हाथ में आने लग जाएंगे। और इस तरीके से पूरे के पूरे नेल के ऊपर हम अपना जो है माइलर्स अप्लाई कर देंगे फुल्ली नेल पर। गाइस ध्यान रखना है इसमें कि आपके जो बिग माइलर्स हैं वो साइड्स में ना लगें, अगर साइड्स में लगते हैं ना तो वो चुभते हैं और वो निकल जाते हैं 2 या 4 दिन के अंदर। सो मेक श्योर कि आप सेंटर में बड़े और साइड्स के एरिया को जो है हम स्मॉल माइलर्स के साथ कवर अप करेंगे, और जो एरिया और ज़्यादा रह जाता है उसमें हम ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं। जो इसी में ही ग्लिटर है, आप टूथपिक जब डिप करते हैं तो ग्लिटर अपने आप साथ में लग के आ जाता है, तो ग्लिटर भी आप साइड्स में कवर अप कर सकते हैं और रेदर देन बिग माइलर्स और स्मॉल माइलर। और माइलर अप्लाई करने के बाद जो है बाकी जो हमारे मिडिल फिंगर के साथ वाली फिंगर जो रिंग फिंगर है उसके ऊपर और थंब के ऊपर हम इस तरीके से पतला पतला जेल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें ब्रश आर्ट करनी है तो डायरेक्ट बन स्ट्रोक पेंटिंग तो हो नहीं पाएगी, उसके लिए हमें ड्राई सरफेस चाहिए होता है, तो इसलिए हम इसके ऊपर जेल लगा देंगे ताकि हम एक बार और बफिंग कर दें और इसे क्योर करा देंगे तीनों फिंगर्स को एक साथ, थंब, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर जिस पे हमने माइलर्स लगाए थे। और इनके क्योर होने के बाद जो है हमारी इंडेक्स फिंगर जो है रेडी है, साथ साथ जो है हमारी मिडिल फिंगर पे हमें जो है 3D वर्क करना है, तो इन दोनों फिंगर के ऊपर जो है हम UV टॉप कोट अप्लाई कर देंगे। सो वन बाय वन करके हम इसमें एक एक फिंगर को अपनी कंप्लीट करते जाएंगे और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग पार्ट करते रहेंगे। सो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर मैंने UV टॉप कोट अप्लाई कर दिया है। और अगर आपका मन करे गाइस तो जैसे आपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर भी लगाया था वहाँ पे भी यूवी टॉप कोट लगा के इस सारे नेल को जो है इकट्ठा क्योर करवा देंगे। सो गाइस अब बारी है हमें जेल वाइप करने की। जैसे इंडेक्स फिंगर हमारी पूरी रेडी हो चुकी है और टच करके मैंने देखा उसमें कुछ भी चुभ नहीं रहा है, हमारे माइलर्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं और रिंग फिंगर को भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब बारी है हमारी पिंकी फिंगर को डेकोरेट करने की। सो उसमें हमने फुल्ली राइनस्टोन से डेकोरेट करना है, स्मॉल माइलर, मीडियम माइलर और साथ में ये कुछ पत्ती वाले माइलर्स हैं इनके साथ हमें डेकोरेट करना है। तो थोड़े से ये निकाल के रख लेंगे अलग से ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, और फटाफट से बस अब हम इसमें यूवी टॉप कोट लगाएंगे पिंकी फिंगर पे। और यूवी टॉप कोट अप्लाई करते ही जो है जहाँ जहाँ पर भी हमें राइनस्टोन प्लेस करने हैं वहाँ वहाँ पर हम जो है राइनस्टोन प्लेस कर देंगे। सो पहले जैसे कि सबसे बड़े वाले राइनस्टोन है उसे निकलने का डर रहता है, तो उन्हें जो है हम पहले जहाँ जहाँ पर प्लेस करना है प्लेस करके हम इसे जो है एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए क्योर करवा लेंगे। और उसके बाद जो है साइड्स वाले एरिया को भी दोबारा से यूवी टॉप कोट अप्लाई करके उसे भी हम छोटे वाले राइनस्टोन साइड्स में कवर अप करके उसे भी हम क्योर करवा देंगे। बिग वाले राइनस्टोन जो है हमारे क्योर हो चुके हैं और 90 सेकेंड मैंने क्योर करवाया। और इसके बाद जो है हमारा बचा हुआ नेल है साइड वाला जो एरिया वहाँ पर भी हम देखिए इस तरीके से यूवी टॉप कोट लगाएंगे, बट मेक श्योर आपके यूवी टॉप कोट जो आपके राइनस्टोन के ऊपर ना लगे, नहीं तो आपके राइनस्टोन के सारे शाइनिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। और अब जो है टूथपिक की हेल्प से ये छोटे वाले राइनस्टोन्स हैं सो वन बाय वन करके पूरे साइड के एरिया को हम ये राइनस्टोन अप्लाई करके इसे हम क्योर करवा देंगे। और इसके बाद हमारी बारी है वन स्ट्रोक पेंटिंग की गाइस। तो हमारी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल रेडी है और अब जो है हम करेंगे वन स्ट्रोक पेंटिंग। तो इसके लिए मैंने ये ब्रश चूज़ किया है DC का ही, और इसके अलावा जो है ये बारीक वाले ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ मैं डिक्सी के, तो आप ये भी देख सकते हो। और इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी पोस्टर कलर्स एंड एक्रेलिक कलर्स, तो ये सारे प्रोडक्ट के साथ जो है हम इसमें वर्क करेंगे। बट उससे पहले हमें थंब को जो है ब्लॉब ऑफ कर लेना है अच्छे से, और साथ साथ रिंग फिंगर के ऊपर भी हमें ब्रश आउट करनी है तो उसे भी हम जो है ब्लॉब ऑफ कर लेंगे। सो जैसे कि ये अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाला जो ब्लॉब ऑफर है क्यूटिकल एरिया में काफ़ी शार्प होता है, ये लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने जो है ये वाइट वाला ब्लॉब ऑफर रखा हुआ है अलग से, जो कि मेरे क्यूटिकल एरिया और साइड वॉल को ब्लॉब ऑफ करने में हेल्प करता है और मेरी स्किन को भी डैमेज नहीं करता है, ब्लीडिंग नहीं होने देता है, तो उसके लिए भी मैं ये वाला ब्लॉब ऑफर यूज़ करती हूँ। और अब इसके बाद जो है वाइट एंड पिंक की शेडिंग का जो है हम वर्क करेंगे। सो मैंने अलग से जो है कलर्स ही खोल कर रख लिए थे एक एक बॉक्स में, और अब जो है इसके बाद हम ब्रश
ब्रश में लेंगे, एक कॉर्नर में हम वाइट लेंगे और एक कॉर्नर में पिंक, और इस तरीके से स्मज करेंगे। और अब जो है हम अप्लाई करना शुरू करेंगे इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं इसमें पिंक और वाइट की शेडिंग कितनी अच्छी आ रही है। सो वन बाय वन करके इसकी जो है लीफ क्रिएट करेंगे, और इसे जो है कलर को हम डबल ज़रूर करेंगे गाइज, ताकि कलर के जो पिगमेंट है काफ़ी अच्छे से विजिबल होकर आए। और ब्रश वन स्ट्रोक पेंटिंग में जो है हमेशा ऐसे ही होता है कि ब्रश हमेशा हिला हिला के थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ा शेकिंग करके। सो उससे क्या होता है कि जो उसके लीव्स के पेटल्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आते हैं इसलिए। सो जैसे कि हमने थंब पे बनाया, आप इसी तरीके से ही सिर्फ थ्री लीव्स का वर्क करेंगे रिंग फिंगर पे भी, और इस तरीके से बारीक वाले ब्रश से इसे आउटलाइन दे देंगे ताकि ये और ज़्यादा एनहेंस होकर दिखे। सो वाइट कलर की जो है इस तरीके से शेडिंग भी दे देंगे हम मिडल से बाहर को लीव्स में, ताकि ये और ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। अब इसके बाद जो है हम पूरे नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे हम जो है लीव्स का वर्क, क्योंकि हमें लीव्स भी बनानी है, फ्लावर्स हमेशा लीव्स के बिना अधूरी रहती हैं। तो उसके लिए जो है मैं यूज़ करूँगी ग्रीन एंड येलो का शेडिंग वर्क, जिससे कि हमारी लीफ और ज़्यादा नीट बन के आ सके। सो इस तरीके से जो है हम कॉर्नर्स में एक तरफ येलो एक तरफ ग्रीन ले लेंगे, और इस तरीके से वेव बनाते हुए हम अपनी लीव्स क्रिएट कर देंगे। और लीव्स क्रिएट करने के बाद और उन्हें ड्राई करने के बाद जो ये ब्लैक कलर लेंगे एक्रेलिक का, और लीव्स की थोड़ी से हम जो है आउटलाइनिंग देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वो हाईलाइट नहीं हो रही हैं। तो उसकी जो है ब्लैक से जब इसको आउटलाइन देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होने लग जाएगी। इस तरीके से हम एक मिडिल पार्टीशन और साइड कवर अप करेंगे सिर्फ और सिर्फ। सो आप देख सकते हो ये अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है, शेप भी इसकी एकदम नीट होकर दिख रही है। सो इस तरीके से हम सभी लीव्स पर जो है ब्लैक की आउटलाइन कर देंगे और इसे भी ड्राई होने देंगे। और अब बारी है हमारे सारे वर्क को सील करने की, तो इसके लिए मैंने ये जेल लिया है, बिल्कुल कम क्वांटिटी लिया है गाइस, बिल्कुल पतला पतला कवर अप करेंगे। पूरे नेल के ऊपर जेल अप्लाई कर देंगे दोनों नेल्स पर ही, और इसके बाद जो है हमें साइड्स को ध्यान रखना है कि प्रॉपरली कवर अप हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जेल के अंदर हमें इसे डिपॉजिट करना है। सो इसलिए हमें साइड वर्क प्रॉपरली इसमें कवर अप कर देना है। और अब जो है हम कुछ राइनस्टोन्स के साथ जो है इसे डेकोरेट करेंगे स्मॉल वाले, जो फ्लावर की मिडिल की आप जगह देख सकते हो वो खाली है, तो वहाँ पर हम लोग 3-4 राइनस्टोन छोटे छोटे लगाकर हम लोग जेल के साथ ही जो है इसे अप्लाई कर देंगे, और इन सभी ने दोनों ने इसको जो है एक साथ हम क्योर करवा देंगे। इसे क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है यूवी टॉप कट अप्लाई करने की, तो साइड साइड के एरिया में हम जो है इस तरीके से यूवी टॉप कट लगाएंगे। मेक श्योर आपका जो यूवी टॉप कट है वो राइनस्टोन के ऊपर बिल्कुल ना लगे, और इसे हम क्योर करवा देंगे। और इसे क्योर करवाने के बाद जो है हम करेंगे जेल वाइप, देखेंगे कहीं से हमारा कोई प्रोडक्ट रिमूव तो नहीं हो रहा है गाइज। तो काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कोई प्रोडक्ट रिमूव तो नहीं हो रहा है या अटक तो नहीं रहा है, उसके लिए हम ये जेल वाइप ज़रूर करेंगे। और साइड का जो प्रोडक्ट है उस वो भी हमारा जो है इससे निकल जाएगा, और राइनस्टोन के ऊपर भी जो हमारी टूथपिक पे लगी थी ग्लू वो भी हमारी जो है फिनिश हो जाएगी। सो ये सारे प्रोडक्ट जो है हमने आज यूज़ किए नेल्स करते, बट अभी भी बाकी है हमारा वर्क 3D का है। सो उसके लिए मैं ये एक्रेलिक पाउडर कलर्ड पाउडर यूज़ करूँगी, पिंक पैरेट पिंक येलो और साथ साथ वाइट, और साथ में ये हार्ड मोनोमर, और साथ साथ जो है हमारा ये ब्रश #4 नंबर है ये ब्रश, और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होता है, हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से जल्दी से ड्राई भी नहीं होने देता है, तो काफ़ी हेल्प करता है हमारे हर एक लीफ को स्प्रेड करने में। सो अब जो है हम मोनोमर की हेल्प से और एक्रेलिक पाउडर की हेल्प से स्टार्ट करेंगे अपना 3D वर्क करना। सो 3D फ्लावर क्रिएट करूँगी मैं, डबल फ्रिल और सिंगल फ्रिल। सो गाइज मेक श्योर एक भी स्टेप को मिस मत करना, और सबसे पहले जो है हमें वाइट एंड पिंक को दोनों को लेना है, जिससे कि हमारा जो है ये शेडिंग में वर्क निकल कर आए। तो जब ये शेडिंग में वर्क बनेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनकर आएगा। आप देख सकते हो इसमें मैंने वाइट एंड पिंक, पिंक को मैंने आउटर लेयर में लिया है और वाइट को इनर कॉर्नर में, सो जिससे कि हमारा पिंक कलर जो है हाईलाइट रहेगा और वाइट जो है थोड़ा सा दब जाएगा, क्योंकि हमारा नीचे का बेस जो है फ्रेंच वो वाइट है, तो हमें पिंक को इसमें हाईलाइट करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने पिंक आउटर एरिया में लिया है। सो हमारी आउटर फ्रिल जो है बन के रेडी हो चुकी है, और अब हमारी है इनर फ्रिल की। तो इनर फ्रिल में भी मैं सेम वाइट को इनर कॉर्नर साइड में रख रही हूँ और पिंक कलर को आउटर में, ताकि पिंक हमारा ज़्यादा हाईलाइट हो
और इसके बाद इस दोनों को जो है हम शेडिंग में ही साथ साथ वर्क करेंगे। और इसमें जो है हम जैसे मैंने आउटर में 4 लीव्स बनाई है, हम इनर कॉर्नर में बनाएंगे 3 लीव्स। दोनों फ्रिल हमारी रेडी हैं और अब हम जो है कुछ राइनस्टोन प्लेस कर देंगे इसके सेंटर में। सो एक फ्लावर में हम सेंटर बनाएंगे पिंक और एक फ्लावर में हम बनाएंगे वाइट। तो इस तरीके से हम पिंक को लेके, ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया था, थोड़ा सा कम प्रोडक्ट लेके वर्क करेंगे और इनर कॉर्नर में अप्लाई करके से हल्का सा फ्लैट कर लेंगे और इसके बाद जो इस पर राइनस्टोन प्लेस कर देंगे। सो फ्लावर बनके हमारा रेडी है और इसके बाद बारी है इसमें लीव्स अप्लाई करने की। सो लीव्स के लिए भी मैं लेमन येलो और पैरट ग्रीन कलर ले रही हूँ गाइज, और इसे जो है प्रॉपर लीव्स की शेप देंगे, सेंटर से थोड़ी सी मोटी फैला देंगे इसे और ऊपर को आते आते थोड़ा सा खींच देंगे और प्रॉपरली शेप अप कर देंगे इसको ताकि वो उसमें प्रॉपर लीव की लुक आए। सो गाइज अब बारी है इसमें राइनस्टोन प्लेस कर लेंगी। तो मैंने टूथपिक के कैप के ऊपर हल्के से ग्लू ले ली है 2 ड्रॉप, और ग्लू की हेल्प से जो एक तरफ से मैं ग्लू अप्लाई करूँगी टूथपिक की हेल्प से और एक तरफ से जेल लगाकर अपने राइनस्टोन को पिक करके जहाँ जहाँ पर भी मुझे राइनस्टोन प्लेस करना है वहाँ वहाँ पर मैं इस ग्लू के साथ जो है राइनस्टोन प्लेस कर दूँगी। तो गाइज डोंट यू वरी, अगर आप ग्लू के साथ 3D के इफेक्ट के साथ ग्लू लगाते हो और अपने राइनस्टोन अप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरते हैं। सो आप भी झिझक इसे जो है लगा सकते हो बिना किसी टेंशन की, 100% जो है एक तो शाइन इनकी बहुत अच्छी आती है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। कर सकते हैं तो हमारा नेल आर्ट बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो। प्लीज़ गाइज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइज थैंक्स फॉर द वॉचिंग।